Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator. And today in the economics lecture series, we are going to cover a very important topic. बहुत ही important topic cover करने जा रहे हैं हम, जो कि है differentiated banks. What are differentiated banks? What is a small finance bank? What is a payment banks? What is the difference between the two? So in India, we should know that RBI, it gives two licenses. RBI जो है banks को ना दो banking license देता है. ठीक है, टू लाइसेंसेस. फर्स्ट इज नोन एज, राइट इट डाउन, पहले लाइसेंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस. दिस इज द फर्स्ट लाइसेंस विच इज गिवन बाय आरबीआई टू द बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस. सेकंड लाइसेंस इज नोन एज, राइट इट डाउन, द डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस. सेकंड लाइसेंस हो जाता है आपका डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस. दिस इज द सेकंड लाइसेंस दैट बैंक आरबीआई गिव्स टू द बैंक्स, डिफरेंट बैंक्स. ओके, दैट इज द सेकंड बैंक लाइसेंस. ओके, डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस. तो यहां पर ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं ना, ये आपके नीश बैंक्स कहलाते हैं. ठीक है, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. इनको हम नीश बैंक्स बोलते हैं. दीज आर दी बैंक्स दैट सर्व दी नीड्स ऑफ सर्टन डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. कुछ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है रूरल एरियाज में जिनको ये सर्व करता है डिफरेंशिएटेड बैंक. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे पास एक हो जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक. फर्स्ट विल बी, राइट इट डाउन, इट विल बी दी स्मॉल फाइनेंस बैंक. ओके, सेकेंड पेमेंट्स बैंक. सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हमारे पास पेमेंट्स बैंक. ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक सभी को? दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक इन इंडिया. देन हमारे पास और भी नए डिफरेंशिएटेड बैंक आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कस्टोडियन बैंक. ठीक है, वी हैव दी कस्टोडियन बैंक. सर्टन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, दे आर हैंडल्ड बाई डिफरेंशिएटेड बैंक. कस्टोडियन बैंक उनमें से एक है. देन वी हैव होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक, जिसको हम बोलते हैं WLTF, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक, WLTF. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक. ओके, सो टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएटेड एंड यूनिवर्सल बैंक. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेज द पेमेंट बैंक. Okay, everybody is ready for the class. Before we start our session, here's a small announcement for all of you. So Unacademy has launched the most competitive gamified UPSC battle, that is Unacademy Combat, which is to be launched every Sunday. Time will be 11 AM in the morning. हर संडे 11 बजे सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे का ये बैटल आपका होगा, विच इज क्रिएटेड ऑन द लाइंस ऑफ द एक्चुअल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसी लाइन पर ये बैटल तैयार किया गया है. ठीक है, सो देयर विल बी डिफरेंट चैलेंजेस एंड आफ्टर एवरी चैलेंज देयर विल बी डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर्स, ताकि आपको पता चल सके आपने कहां क्या गलती की है. ठीक है, सो यू विल गेट योर लीडर बोर्ड ऑल्सो, यू विल गेट योर रेटिंग ऑल्सो, ऑल इंडिया रैंक ऑल्सो, स्कोर भी आपको इस बैटल में मिलने वाला है. देर विल बी 45 मिनट्स टोटल विच विल बी गिवन टू यू टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट. फ्री बैटल है, 60 क्वेश्चंस, 13 कॉम्बैट, 6 सेक्शंस होंगे और ये हर संडे को, फ्रॉम नाउ ऑन इट विल बी कंडक्टेड ऑन एवरी संडे. ओके, सो यू कैन इनरोल इन द बैटल. आई हैव गिवन यू द लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन गिवन बिलो द वीडियो एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन इनरोल इन दिस बैटल. यूज कोड Arpita10 टू इनरोल इन दिस बैटल. Arpita10 कोड यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैटल में आप इनरोल कर सकते हो वाया द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ओके, तो जल्दी से इस बैटल में इनरोल कीजिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग प्राइसेस ऑल्सो. अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन इफ यू स्कोर फ्रॉम rank 1 to rank 3, तो फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा ऑफ योर चॉइस, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आपके चॉइस का. इफ यू स्कोर फ्रॉम rank 4 to rank 11, देन आपको मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ ऑफ योर चॉइस, बट 75% डिस्काउंट पर. यू विल बी गेटिंग 75% का डिस्काउंट ऑल्सो, राइट. ऐसे ही आपको 50% और 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप rank 1 से rank 500 के बीच में लेकर आते हो. अमेजिंग सरप्राइजेस आर गोइंग टू बी यू नो given to you. So every Sunday this combat free of cost is conducted by Unacademy now. Time is 11 AM in the morning. Register yourself now. So when we talk about the differentiated banks, सबसे पहले हम differentiated banks के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो these are called as known as the niche banks. इनको हम niche banks भी बोलते हैं. And niche banks are usually those type of commercial banks which accept deposits, lend you the money. जो basic functions होते हैं ना, CDs देना, ठीक है, commercial deposits accept करना, loans देना, deposit savings bank account खुलवा देना, ये जो basic आपके banking functions है वो आपके differentiated banks करते हैं. But they target a specific segment of the society only.
right? So they tailor the bank's operations, they make or the transform the bank's operations to the market's preferences. जिस market को वो you know आप बोल सकते हो target कर रहे हैं, यानी कि for example let's say MSMEs को target कर रहे हैं, तो उन्हीं के need के आसपास अपने functions को tailor made करेंगे, ठीक है? They offer very limited range of services of products that you should know because they are targeting a small batch of society, right? For example we have custodian banks or wholesale and long term finance banks. ये आपके example हो जाते हैं, small finance banks, payment banks, etc. ठीक है, ये आपके हो गए हमारे डिफरेंशिएटेड बैंक्स. एंड दिस डिफरेंशिएशन, व्हाई दिस इज देयर इज दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, इट कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, जिस बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो सकता है. तो जब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, यू शुड रिमेम्बर वन थिंग दैट दे आर नीच बैंक्स. नीच बैंक्स मीन्स दैट दे फोकस एंड सर्व द नीड ऑफ अ सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ओनली. Okay, and the objective of setting up small finance banks will be to further the financial inclusion. Government का target है ना कि financial inclusion करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को financially banking system में लेकर आना है. So to enhance the financial inclusion, to create by, how can you enhance the financial inclusion? By making a provision of savings vehicle, by supply of credit to small business units like we have micro and small industries. राइट, एमएसएमईज है हमारे पास, ठीक है. देन एसएफबीज, दैट इज द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स हु रिकमेंडेड इट, द नचिकेत मोर कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट रिकमेंडेड द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है. तो नचिकेत मोर कमिटी जो थी, उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को रिकमेंड किया था, ठीक है. सो यू कैन नाउ, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एसएफबीज. स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है एसएफबीज में? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, येस दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं. दे डू दी लेंडिंग एक्टिविटीज, येस दे डू दी लेंडिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, पैसा लेंड भी करते हैं. किसको? टू दी, राइट इट डाउन, दी अनसर्व्ड एंड दी अनडिजर्व्ड, दी और यू कैन से अंडरसर्व्ड, दी अंडरसर्व्ड सेक्शंस, ठीक है, अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शंस लाइक स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, लाइक मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज, राइट. सो देयर विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? एसएफबीज के बारे में पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? चलो, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन, राइट इट डाउन, द क्वेश्चन इज व्हाट कैन द एसएफबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स डू, क्या कर सकते हैं ये? दे कैन सेल फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं ना, फॉरेक्स बोलते हैं. दे कैन सेल दी फॉरेक्स टू दी कस्टमर्स, येस दे कैन डू इट. सेकेंड हो जाता है, दे कैन सेल म्यूचुअल फंड्स, येस दे कैन सेल दी म्यूचुअल फंड्स. दे कैन इवन सेल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो गिव पेंशंस, राइट, ठीक है. एंड वॉट एस एफ बीज कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकते एस एफ बीज? तो यहां पर हम लिख लेते हैं वॉट दे, राइट इट डाउन यहां पर, वॉट दे कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकते. So they can not extend, large loans, बड़े बड़े loans नहीं दे सकते, ठीक है, point clear हो गया यहां तक. And they also cannot float subsidiaries and deal in sophisticated products, no, इनका काम बहुत simple होता है, ठीक है, यहां तक point clear हो गया. So these are the SFBs. अब बात आती है payment banks की. Now coming to the payment banks, अब payment banks की बात कर लेते हैं यहां पर. So payment banks, their objective is to again increase the financial inclusion. How? By providing small saving accounts. Small savings accounts provide करके, ठीक है, financial inclusion के purpose को meet करते हैं. Then also by providing payments and remittance services to migrant labor, workforce and low income households, small businesses, etc. तो migrant labor अपने payment receive कर सकते हैं, remit कर सकते हैं. Also they do not lend money to customers. Customers को पैसे lend, उधारी पे पैसा नहीं देते. They cannot issue credit cards, okay? They can issue ATM or debit cards, but they cannot issue credit cards. And they accept demand deposits, maximum balance 1 lakh per individual customer. उससे ज्यादा नहीं, ठीक है. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, तो जल्दी से बताएं, ठीक है. यहां पर ना आई गेस यहां मिस्टेक हुई है एक, राइट, यस दिस इज 1 lakh, ठीक है, पर इंडिविजुअल कस्टमर. ऑल राइट, तो ये फंक्शन हो गया आपका पेमेंट बैंक्स का, ठीक है. सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन ऑफर बिल पेमेंट सर्विस, ठीक है, यहां पर लिख सकते हो आप, दे कैन ऑफर द बिल पेमेंट सर्विस. अगर आपको अपना बिल पे करना है, पेमेंट्स बैंक के थ्रू आप
कर सकते हो बिल पे, ठीक है। दे आर ऑफरिंग बिल पेमेंट सर्विस, ठीक है। दे कैन इनेबल ट्रांसफर एंड रेमिटेंस थ्रू मोबाइल फोन, राइट, एंड दे कैन इशू योर ATM कार्ड्स ऑल्सो। दे कैन ऑल्सो ऑफर कार्ड एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म टू थर्ड पार्टीज लाइक एप्पल पे। एप्पल पे के बारे में आपने सुना होगा ना, तो थर्ड पार्टी को कार्ड यू नो एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म भी ये देते हैं, ठीक है। दे कैन ऑफर, दे कैन नॉट ऑफर द क्रेडिट कार्ड्स, दे कैन नॉट गिव यू लोन्स, दे कैन नॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट्स, बट दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स डोमेस्टिकली। ओके, सो दिस इज योर पेमेंट बैंक्स। ये हो गया आपका पेमेंट बैंक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफी बार आए हैं। 2017 ऑल्सो अ क्वेश्चन केम ऑन पेमेंट बैंक्स। 2018 क्वेश्चन केम ऑन SFBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, राइट, सेविंग फाइनेंस बैंक्स। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। आई होप दैट यू आर मेकिंग नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ। ओके, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।